दोस्तों, ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ जो को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़ा था हमने पिछले वीडियो पर। कश्यप ने उत्तान लोचन वाले मृत पुत्र को देखा था। कश्यप उसे गोद में लेकर शोक से बार बार अत्यंत अत्यंत करने लगे थे। उस समय देवगण बहुत त्रस्त हो गए थे और हाहाकार करने लगे थे तथा अत्यंत विलाप किया था। यह समस्त जगत एकदम अंधकार से आवृत होकर अंधीभूत हो गया था। अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर कश्यप ने शिव को शाप दिया था, जो कश्यप ब्रह्मा के पौत्र थे तथा परम तपस्वी एवं ब्रह्म तेज से जाज्वल्यवान हो रहे थे। कश्यप ने कहा, जिस तरह मेरे पुत्र का वक्षस्थल आज शूल से तुमने छिन्न किया है, इसी तरह से तुम्हारा पुत्र का सिर भी छिन्न हो जाएगा। और शिव के पुत्र कौन है? गणेश। शिव के वीर्य से, स्पर्म से, पार्वती और शिव के संभोग से ही जन्म हुआ था गणेश का, हमने पहले पढ़ा था। तो इस शाप की, इसलिए शनि ने शिव के पुत्र का फेस देखा था, और फिर हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। फिर शिव गलित क्रोध वाले हो गए थे और क्षण मात्र में ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। फिर शिव ने उस सूर्य को ब्रह्म ज्ञान से तुरंत ही जीवित कर दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश त्रिगुणात्मक सूर्य ने चेतना प्राप्त कर ली थी और पिता के आगे स्थित हो गया था। उस सूर्य ने अपने पिता को और भक्तिभाव सदाशिव को नमस्कार किया। भक्तवत्सल ने शंभु को दिए हुए शाप को जानकर कश्यप पर बड़ा क्रोध किया था। फिर सूर्य ने विषय को ग्रहण नहीं किया था और कोप से ये कहा, मैं अब विषय का त्याग करके ईश्वर कृष्ण का भजन करूँगा। तो दोस्तों, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण भक्त ऋषि ने लिखा, इसलिए जगह जगह कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। तो ईश्वर के बिना ये सब तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। मंगल और सत्य का त्याग करके विद्वान कभी अमंगल की इच्छा नहीं करता। तब देवों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके वहाँ समभ्रम के साथ ब्रह्मा जी आए थे और प्रभु ने सूर्य को नमस्कार विषय में युक्त किया था। शिव ने उसको आशीर्वाद देकर और ब्रह्मा ने भी आशिष्ट करके ये दोनों अपने आलय को चले गए थे। कश्यप भी चले गए थे तथा अपनी राशि पर चला गया था। इसके अनंतर माली और सुमाली दोनों व्याधि से ग्रसित हो गए थे। इनके शिवत्र और गलित कुष्ठ सर्वांग में हो गया था। ये शक्ति से हीन और प्रभा रहित हो गए। उन दोनों से ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि तुम दोनों रवि का भजन करो, क्योंकि तुम दोनों रवि यानी सूर्य के कोप से ही गलित, रोगी और प्रभा से हीन हुए हो। तब विदाता ने सूर्य का स्तोत्र कवच और पूजा की विधि उनको कहकर सनातन ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले गए थे। इसके उपरांत उन दोनों ने पुष्कर में जाकर हेमुने रवि की सेवा की थी। वे वहाँ त्रिकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम मंत्र का जाप वहाँ करते थे। इसके पश्चात सूर्यदेव से वर प्राप्त कर वे अपने निज के रूप वाले हो गए थे। वो इस प्रकार से मैंने तुमको सब बता दिया है, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? इस अध्याय में गज यानी हाथी के मुख के योजन करने का हेतु का कथन निरूपित किया जाता है। नारद ने कहा, शिव के पुत्र के रूप में हरि का अंश उत्पन्न हुआ था और आप बुद्धि के वैभव से हरि के तुल्य ही थे। तेज और विक्रम में भी बिल्कुल हरि की समानता थी। इसमें मेरा प्रश्न है, उसे आप श्रवण करने योग्य हैं। विघ्नों के नाशक को जो विघ्न हुआ था, उसका परम अद्भुत चरित्र मैंने
सुन लिया है और उनके विघ्न करने वाले का भी श्रवण विश्व के कारण के मुख से सुन लिया है। अब मैं अपने हृदय में कुछ संदेह है उनका भंजन का श्रवण करना चाहता हूँ। त्रिलोकी के नाथ के पुत्र में हाथी के मुख का योजन कैसे हुआ था? हे जगत संभव, जबकि अन्य वस्तु से जंतु उपस्थित थे जिनके की नाना प्रकार के स्वरूप विशेषता रखने वाले थे, तो फिर गज के ही मुख के योजन करने का क्या विशेष कारण था? नारायण ने कहा है, नारद, गज के मुख की योजना का जो कारण था उसको सुनो। ये विषय समस्त पुराणों में और वेदों में भी गोप्य है एवं दुर्लभ है। ये चरित्र समस्त दुखों को छुड़ाने वाला, संपूर्ण संपत्ति को देने वाला, विपत्तियों की हरण करने वाला तथा पापों का मोचन करने वाला है। महालक्ष्मी का चरित्र संपूर्ण मंगलों का भी मंगल होता है। ये सुख और मोक्ष के देने वाला तथा चारों वर्ग का प्रदान करने वाला है। हे तात, तुम सुनो, मैं अब इस पुराने इतिहास को बताता हूँ। ये पद्मकल्प का रहस्य है जो कि मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार महेंद्र पुष्पभद्रा नदी के तट पर गया था। जैसे बहुत सारा कल्प होता है ना, चारों युगों को मिलाकर एक महायुग होता है, फिर बहुत सारे महायुग मिलाकर कल्प होता है। कल्प भी बहुत टाइप का होता है, पद्मकल्प उसमें से एक है। एक बार महेंद्र पुष्पभद्रा नदी के तट पर गया था। ये इंद्र अपनी महान संपदा के मत से उत्पन्न हो रहा था और राजसी से युक्त था। उस नदी के तट पर एकांत स्थान में परम सुंदर पुष्पोद्यान में, जहाँ की अत्यंत दुर्गम निर्जन जंगल था जिसमें कोई भी जीव जंतु नहीं रहते थे, यह स्थान भ्रमरों की गुंजार से युक्त और पुष्कोकिल की मधुर ध्वनि से पूरित हो रहा था तथा सुगंधित पुष्पों की सुबह से मिश्रित वायु से सर्वत्र सुगंध फैली हुई थी। वहाँ पर चंद्रलोक से आई हुई रंभा को इंद्र ने देखा था, जो कि सूरत के श्रम से विश्राम करने के लिए वो काम कामों की वहाँ आई थी। वहाँ इंद्र ने अतिवेश से युक्त उसको देखकर उसके कटाक्ष तात से वो अत्यंत कामोत्पीड़ित हो गया था। फिर अत्यंत इंद्रिय की चपलता के कारण उससे इंद्र ने अपना आरंभ किया था। इंद्र ने कहा, हे बरारोहे, आप अब कहाँ जा रही हैं? हे सुंदरी, ये समय आप कहाँ से आई हैं? मैंने बहुत समय में आपको देखा है, अब आप मेरे प्रिया प्रिय करो। वहाँ बाची के मुख से श्रवण कर मैं आपकी खोज करने वाला हूँ। मैं निरंतर आप में अनुरक्त हो रहा हूँ, आप जैसी कामिनी को मैं चाहता हूँ। रंभा ने कहा, कौन सी मूढ़ सती है जो आप जैसे गुणों के सागर को नहीं चाहती है? मैं आपकी दासी हूँ, आप यहाँ पर ही मुझे सुखपूर्वक ग्रहण करिए। ये कहकर उस रंभा ने उस इंद्र को मुख और चक्षु से पान किया था। वो कमाग्नि से दग्ध होकर लज्जाहीन होती हुई उसके समीप में स्थित हो गई थी, मतलब यानी संभोग हुआ था। इसी बीच में वहाँ मुनियों में परम श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य के सहित उसी मार्ग से वैकुंठ में शंकर के निवास स्थान को जा रहे थे। उस मुनिन्द्र को देखकर इंद्र स्तंभ मन वाले हो गए थे। उसने सहसा आकर वहाँ उनको प्रणाम किया था और ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया था। नारायण ने जो पारिजात का पुष्प ऋषि को दिया था, वो पुष्प महात्मा मुनिन्द्र ने महेंद्र को प्रसन्न होकर दे दिया था। महाभाग कृपा के निधि ने वो पुष्प देखकर उससे उस पुष्प का कुछ अपूर्व महात्मा मुनि श्रेष्ठ ने कहा था। दुर्वासा ने कहा, यह पुष्प समस्त विघ्नों का हरण करने वाला है, ऐसा मुझसे नारायण ने कहा था। हे देवेंद्र, जिसके मस्तक पर यह विराजमान होता है उसका सर्वत्र जय ही होता है। उसकी देवों में सबसे पहले पूजा होगी और वो सबका अग्रणी होगा। उसकी छाया की भांति महालक्ष्मी सर्वदा ही उसके साथ रहा करती है और कभी भी उसका त्याग नहीं किया करती है। ज्ञान तेज बुद्धि विक्रम और बल से वो सर्वदा ही श्रीमान हरि के ही तुल्य हो जाता है। जो पामर इस पुष्प की भक्ति भाव से अपने सिर पर अहंकार के मत से ग्रहण नहीं करता है, जो कि हरि का ही निवेद्य है,
वो अपनी जाति से भ्रष्ट स्त्री वाला हो जाता है। इतना कहकर वो शंकर का अंश ऋषि शंकर के निवास धाम को चले गए थे। इंद्र ने रंभा अप्सरा के समीप में गज के मस्तक पर वो पुष्प संस्थापित कर दिया था, अतः वो भ्रष्ट भी हो गया था। वो अप्सरा भी उसका त्याग कर सुरालय को चली गई थी। पुष्जनली सती तो अपने ही योग्य पुरुष की इच्छा करने वाली होती है। वो चंचल एवं अधम अन्य किसी को नहीं चाहती है। वो गजराज भी देवराज का त्याग करके महारण्य में महाबली चला गया था, क्योंकि वो महातेजस्वी हो गया था, अतः अपने तेज से उसने इंद्र को वहीं डाल दिया था। वहां वन में उसने कारिणी प्राप्त कर ली थी और मत्त होकर उसका उपभोग करता था। वो भी योषित की जाति वाली उसके वश में हो गई थी, क्योंकि सुख की इच्छा वाली वो हो रही थी। हरि ने उसी हाथी का मस्तक को छिन्न करके उस बालक के मस्तक पर योजित किया था। हे वत्स, यह समस्त चरित्र मैंने तुमको कहकर सुना दिया है, अब और क्या श्रवण करना चाहते हो? ये गज की मुख योजन का चरित्र महान पापों के नाश करने वाला है। नारद ने कहा, हे प्रभु, वे देवता ब्रह्म श्राप श्रीहीन हो गए थे अथवा किससे निश्चकी हुए थे? ये बड़ा एक रहस्य है और गोपनीय तथा दुर्लभ है। ये फिर किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सके थे, जो कि कमला समस्त जगत की जननी है? इंद्र ने फिर क्या किया था, ये सब आप बताने की कृपा करने के योग्य होते हैं। नारायण ने कहा, वो इंद्र जब गजेंद्र के द्वारा पराभूत हो गया था तथा वो मंदबुद्धि वाला रंभा अप्सरा के द्वारा भी तिरस्कृत हो गया था, तो भ्रष्ट स्त्री होकर दीनता से युक्त हो वो फिर अमरावती को चला गया था। हे मुने, बिना आनंद वाले उसने वहाँ पर भी पुरी को भी आनंद से हीन ही देखा था। वो पुरी दैन्य से ग्रस्त थी, बंधुओं से रहित और शत्रुओं के समूह से घिरी हुई थी। ये सब वृत्तांत तो दूत के मुख से श्रवण कर फिर वो गुरु के समीप में गया था। उस गुरु को तथा देवगणों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गया था। वहाँ पहुँचकर इंद्र ने समस्त देवगण के साथ उनको प्रणाम किया था तथा गुरु बृहस्पति ने भी नमस्कार किया था। भक्तिभाव से संयुक्त होकर वेद की विधि से तुष्ट के द्वारा उनका स्तवन किया था और बालपति ने उस प्रजापति ब्रह्मा से समस्त प्रवृत्ति को कह सुनाया था। ब्रह्मा जी ने सबका स्तवन कर मुख नीचे की ओर करके कहना आरंभ किया था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेंद्र, तुम मेरे ही प्रपौत्र हो। हे राजन, तुम निरंतर श्री की शोभा से जा जबल्यवान रहने वाले हो। लक्ष्मी के समान सची के स्वामी होकर भी सदा पराई स्त्री के लंपट रहा करते हो। तुम गौतम के अभिशाप से देवों की संसद में भंग के अंग वाले हो गए थे, फिर भी तुम लज्जा से विहीन हो रहा है और पर स्त्री के साथ रति करने में लंपट है। जो पराई स्त्रियों में निरत रहने वाला पुरुष होता है, उसकी स्त्री अथवा यश कहाँ से हो सकता है? ऐसा पुरुष निंदा के योग्य होता है और निरंतर सभी सभाओं में उसकी बुराई हुआ करती है तथा वो पाप से युक्त होता है। दुर्वासा के द्वारा दिया हुआ श्री हरि का नैवेद्य तूने गज के मस्तक पर रख दिया, क्योंकि रंभा के द्वारा तेरा ज्ञान सब हत हो गया था। सबके द्वारा भोगने के योग्य वो रंभा अब कहाँ है और श्री से हत हो जाने वाला तू कहाँ है, जिसके कारण से पद्यातयुक्त हो गई है और वो एक ही क्षण में तुझसे चली गई है। वैश्या श्री से युक्त की ही इच्छा करने वाली है, वो निश्चिक को चंचला कभी नहीं चाहती है। पुराने का त्याग करके वो सर्वदा नए नए की प्रार्थना किया करती है। हे वत्स, जो भी हो गया वो तो हो गया, अब वो वापस नहीं आता है। अब तो पद्म की प्राप्ति के लिए तुम भक्तिभाव से नारायण का भजन करो। नारायण में परायण ने ये कहकर जगत के सृजन करने वाले का सूत्र कवच और नारायण का मंत्र उसको दिया था। इसके अनंतर उसने उन सबके साथ और गुरु के साथ अभिष्ट मंत्र का जप किया था और कवच ग्रहण करके उसने
पुष्कर में हरि की स्तुति की थी। पुष्प प्रदान करने वाले शुभ भारत में एक वर्ष प्रयत्न निराहार रहकर कमला की प्राप्ति के लिए उसने कमला कांत का सेवन किया था। तब हरि ने आविर्भूत प्रकट होकर उसको उसका वांछित वरदान दिया था। लक्ष्मी का सूत्र कवच और ऐश्वर्य के बढ़ाने वाला मंत्र दिया था। हरि ने ये सब इंद्र को दिया और फिर वे वैकुंठ को चले गए थे। इंद्र क्षीर सागर को चला गया था। हे मुने, वो कवच ग्रहण करके और स्तवन करके पद्मा को प्राप्त किया था। फिर उस सुरेश्वर ने अपने शत्रु को जीतकर अमरावती को प्राप्त कर लिया था। सब देवों में प्रत्येक ने अपना अभिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। नारद ने कहा, हे तपोधन, श्री हरि ने साक्षात प्रकट होकर उस महेंद्र के लिए कौन सा लक्ष्मी का सूत्र और कवच दिया था, उसे कृपा करके मुझे बताइए। नारायण ने कहा, सुरेश्वर पुष्कर में तप करके विराम को प्राप्त हो गया था। उस समय हरि ने इंद्र को कष्ट से युक्त देखकर वहाँ पर ही अपना आविर्भाव किया था। उस समय हरिकेश ने उससे कहा था कि तू अपना अभिष्ट वरदान का वरण कर ले। उसने लक्ष्मी की प्राप्ति का वरदान मांगा था और लक्ष्मी के ईश ने प्रसन्नतापूर्वक उसे वही वरदान प्रदान कर दिया था। वरदान देकर हरिकेश ने फिर कहना आरंभ किया था, जो कि सत्य हित सार और परिणाम के सुख देने वाला था। श्री मधुसूदन ने कहा, हे इंद्र, अब तुम समस्त प्रकार के दुखों का विनाश करने वाला कवच मुझसे ग्रहण करो। ये परम ऐश्वर्य का जनक और सब शत्रुओं का विमर्दन करने वाला है। जिस समय यह संपूर्ण संसार जल में मग्न था, तब पहले समय में ब्रह्मा के लिए दिया था, जिसको धारण करके जगतों के परम श्रेष्ठ विधि समस्त ऐश्वर्य से संपन्न हो गया था, जिससे सब मनुगण ऐश्वर्यशाली हो गए थे। इस सब ऐश्वर्य के प्रदान करने वाले कवच का ऋषि विधि है। इस छंद पंक्ति है और हेसूर इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं पद्मालया देवी है। सिद्ध ऐश्वर्य के जपों में इसका विनियोग होता है। इस कवच को धारण करके लोक सर्वत्र विजयी होता है। अब यहाँ से विनियोग के पश्चात कवच का आरंभ होता है। मेरे मस्तक की पद्मा रक्षा करे, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करे, मेरी नासिका की लक्ष्मी रक्षा करे और कमला लोचन की रक्षा करे, केशव कांता केशों की और कमलालया कपाल की रक्षा करे, गणयुग की जगतप्रस रक्षा करे और संपत प्रभा देवी सदा मेरे स्कंद की रक्षा करे। श्री श्री कमल वासिनी के लिए स्वाहा है, ये मेरे पृष्ठ की रक्षा सदा रक्षा करे। श्री श्री पद्मालया के लिए स्वाहा, ये मेरे बक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। श्री मेरे कंकाल की सुरक्षा करे। श्री नमः, ये मेरी दोनों बाहुओं की रक्षा करे। श्री ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, ये निरंतर बहुत समय तक मेरे पैरों की रक्षा करे। श्रीम ह्रीम श्री नमः पद्माय, ये मेरे नितंब भाग की रक्षा करे सदा। श्रीम श्री महालक्ष्मणे स्वाहा, ये मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करे। श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा, ये मेरी सब ओर से रक्षा करे। हे वत्स, ये समस्त संपत्तियों का करने वाला और संपूर्ण ऐश्वर्य का प्रदान करने वाला परम अद्भुत कवच तुझे बता दिया है। जो विधि के साथ पहले अपने गुरु की अर्चना करके इस कवच को धारण करता है, चाहे इस कंठ में तथा दक्षिण बाहु में धारण करे, तो वो सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है। उस कवच के धारण करने वाले को अर्थात उसके घर को महालक्ष्मी कभी भी नहीं त्यागती है। ये उसके जन्म जन्म में छाया की भांति निरंतर रहा करती है। इस कवच को ना जानकर जो मंद बुद्धि वाला लक्ष्मी का भजन करता है, वो चाहे 100 लाख भी जप करने वाला क्यों ना हो, उसको इसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। यहाँ वो लक्ष्मी कवच समाप्त होता है। नारद ने कहा, इस कवच को और 16 अक्षर वाले मंत्र को, जो कि जगतों के हित का कारण है, जगन्नाथ ने उसको दिया था और बहुत संतुष्ट हुए थे। हे महामुने, वो मंत्र ये है, श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा। कृपा करके
इस इंद्र के लिए इस मंत्र को दिया था। सामवेद में कहा हुआ ध्यान अत्यंत सुदुर्लभ और गोपनीय है। ये सिद्ध और मुनिन्द्रों के द्वारा भी दुष्प्राप्य तथा निश्चित सिद्धिप्रद और शुभ है। श्वेत चंपक के पुष्पों के समान आभा से युक्त है, सचंद्र के समान प्रभाव वाली है। नंदी के तुल्य शुद्ध वो सत्य का परिधान करने वाली है तथा रत्नों के द्वारा निर्मित दिव्य भूषणों से विभूषित है। मंद हास्य से युक्त मुख वाली है, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। सहस्त्र दल वाले पद्म पर संस्थित है, परम स्वस्थ एवं सुमनोहर स्वरूप वाली है। अत्यंत शांत रूप वाली समस्त जगतों की जननी श्री हरि की कांता महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। हे देवेंद्र, इस प्रकार से देवी महालक्ष्मी का ध्यान करके जो कि अति मनोहर है, भक्ति की भावना से उस देवी के लिए षोड़श उपचारों को देना चाहिए। हे वासन, आगे बताएं जाने वाले सूत्र से इस देवी की स्तुति करके फिर नमस्कार करके उसके पश्चात वरदान प्राप्त करके तू निवृत्ति को प्राप्त करेगा। हे देवेंद्र, अब तुम महालक्ष्मी का स्तवन सुनो जो सुख का प्रदान करने वाला है। मैं उसे कहता हूँ ये तीनों लोकों में सुगोप्य एवं अत्यंत सुदुर्लभ है। नारायण ने कहा, हे देवी, मैं आपका स्तवन करने की इच्छा करता हूँ। आपकी स्तुति करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं होते हैं। आप बुद्धि के अगोचर है, परम सूक्ष्म है, तेजो रूप वाली और सनातनी है। आप अत्यंत अनिर्वचनीय हैं। आपको कौन की सामर्थ्य है जो वर्णन कर सके, किसका सामर्थ्य है। आप स्वेच्छामयी हैं, निराकार है, केवल भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके शरीर धारण करने वाली हैं। हे जगदम्बिके, वाणी और मन से परे आपकी मैं क्या स्तुति करूं। आप चारों वेदों के परे हैं और भवानव में पार होने के लिए बीच स्वरूप है। आप संपूर्ण शस्त्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त संपदाओं की अधिदेवी हैं। हे देवी, आप योगों की तथा योगियों की, ज्ञानों की और ज्ञानियों की, वेदों की और वेदों के वेत्ताओं की जननी हैं। मैं क्या वर्णन करूं, जिसके बिना यह संपूर्ण जगत निश्चय ही अवस्तु और निष्फल है। जिस तरह स्तन पीने वाले छोटे शिशुओं की माता होती है, वैसे ही आपसे ये जगत सुखी है। जगतों की माता प्रसन्न हो और अत्यंत कातर हमारी रक्षा करो। ये सब आपके चरण कमलों में प्रसन्न होकर शरण में आए हैं। शक्ति की स्वरूप वाली आपके लिए नमस्कार है और जगतों की माता के लिए बारंबार नमस्कार है। ज्ञान के देने वाली, बुद्धि के प्रदान करने वाली और सभी कुछ देने वाली के लिए बारंबार प्रणाम है। हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा मुक्ति के देने वाली के लिए नमस्कार है। सर्वज्ञ सर्वथा महालक्ष्मी के लिए बारंबार नमस्कार है। कहीं पर कुपुत्र तो होते हैं, किंतु कहीं पर भी कुमाताएँ नहीं होती है। कहीं पर माता पुत्र के दोष होने पर उसका त्याग कर चली जाती है, अर्थात कहीं भी ऐसा होता है। हे माता, स्तनपान करने वाले में दूध मुँह है शिशुओं की भांति हमको दर्शन दो। हे कृपा सिंधु के प्रिय, हे भक्तों पर वत्सले, हमारे ऊपर कृपा करो। हे वत्स, इस प्रकार से पद्मा का सुख देने वाला सुबह वो मोक्षदाता सुप्रत संपदा का स्थान और सारस्वत्र तुमको कह दिया है। ये स्तोत्र महान पुण्य वाला है अथवा पवित्र है। जो इसको पूजा के समय में पढ़ता है, उसके घर को महालक्ष्मी कभी भी नहीं त्यागा करती है। उसको इतना कहकर हरि वहाँ पर ही अंतर्हित हो गए थे। देव उसकी आज्ञा से अन्य देवताओं के साथ खीर सागर में चला गया था। इस अध्याय में गणेश के एक दंत होने का विवरण कहा जाता है। नारायण ने कहा, है नारद, अब सुनो, मैं एक दंत का, समस्त मंगलों का भी मंगल, परम पुरातन चरित्र और इतिहास बताता हूँ। हे मुने, एक बार कार्तिवीर्य शिकार करने के लिए गया था। वहाँ पर वो बहुत से मृगों का शिकार करके अत्यंत थक गया था। रात्रि के आरंभ हो जाने पर और दिन के समाप्त होने पर वो राजा वहाँ वन में ही ठहर गया था। संपूर्ण सेना से युक्त उपस्थित होकर जमदग्नि के आश्रम में
आश्रम के समीप में ही रहा था। प्रातःकाल में राजा ने सरोवर में स्नान किया और पवित्र होकर विभूषित हुआ था। उस राजा ने वहाँ पर दत्तात्रेय मुनि का दिया हुआ मंत्र का भक्ति से जाप किया था। मुनि ने राजा को देखा था जिसके कंठ, ओष्ठ और तालु सूखे हुए थे। मुनि ने उससे बड़ी प्रीति के साथ संभाषण किया था और कुशल पूछा था। सूर्य के समान प्रभाव वाले मुनि को बड़ी शीघ्रता से राजा ने प्रणाम किया था। उसी मुनि ने प्रणत उस राजा को प्रेम के साथ शुभ आशीर्वाद दिया था। फिर राजा ने अनशन आदि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया था। मुनि ने संभ्रम से ही डर कर राजा का निमंत्रण दे दिया था। मुनियों में परम श्रेष्ठ ने राजा को कहकर अपना आभास में आश्रम की ओर सानंद गमन किया था। वहाँ पर मुनि के आश्रम में स्थित कामधेनु माता से, जो कि लक्ष्मी के ही समान, प्रार्थना की थी। उस कामधेनु ने मुनि से कहा, मेरे स्थित रहते हुए आप इतने भय से भीत क्यों हो रहे हैं? हे मुनि, मेरे द्वारा तो आप ये राजा क्या चीज़ है संपूर्ण जगत को योजन कराने के लिए समर्थ होते हैं। राजा के भोजन के योग्य जो जो द्रव्य तुम याचना करोगे, मैं तुमको उन सभी को दे दूंगी जो कि तीन लोकों में भी दुर्लभ है। मुनि सभी प्रकार के सामान से समन्वित हो गए और उसने लीला से ही सेना के सहित राजा को योजन भोजन करा दिया था। जो जो भी अति दुर्लभ वस्तुएं थी उनसे वो निपेश्वर परिपूर्ण हो गया था। राजा ने ऐसा पात्र को देखकर परम विस्मय किया था और वो बोला, राजा ने कहा, हे सचिव, हे समस्त द्रव्य दुर्लभ एवं अशुद्ध, जिनको मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता हूँ, ये कहाँ से आई है? ये तुम देखो। राजा की आज्ञा से मंत्री ने मुनि के गृह में जाकर सब देखा था और फिर राजा ने आकर संपूर्ण महान अद्भुत वृत्तांत कह दिया था। सचिव ने कहा, हे महाराज, मैंने मुनि के गृह में सभी कुछ देख लिया है, उसे आप समझ लें। मुनि का मंदिर वही कुछ यज्ञ काष्ठ, कुश पुष्प और फलों से समन्वित है। कृष्ण चर्म शुक शुभा वाले शिष्य के समूह से वो संकुल है। तेजस आधार सभ्य आदि सब आकार की संपदा से रहित है। वहाँ आश्रम में मैंने सभी लोग वृक्ष की छाल के वस्त्र धारण करने वाले जटाधारी लोग देखे थे। मुनि के आश्रम में एक स्थान में एक परम सुंदर चारु अंगों वाली चंद्रमा के तुल्य आभा से युक्त लाल कमल के समान नेत्रधारिणी कपिला देखी थी। वो तेज से जाज्वल्यमान थी और पूर्ण चंद्र के समान प्रभा से समन्वित एवं संपूर्ण संपत्ति और गुणों की आधार साक्षात हरि की प्रिया थी, प्रिया की ही भांति थी। सचिव की आज्ञा से सब प्रकार से आराधित दुष्ट बुद्धि वाले उस राजा ने काल के पास से निबद्ध होते हुए उस धेनु की मुनि से याचना की थी। राजा ने कहा, हे कल्पतरु, हे भक्तेश, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में कातर, मुझे अपने भक्तों के लिए कामधेनु की भिक्षा दो। आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कुछ भी अदेय वस्तु नहीं है। ददीची ने देवों को अपनी अस्थियां तक दे दी थी, ये पहले सुना ही गया था। हे तपु राशि वाले, हे तपस्या के धन वाले, आपके भूभक की लीला से ही आप कामधेनुओं के समूह का सृजन भारत में करने में समर्थ है। मुनि ने कहा, हे राजन, आप विपरीत बात बोल रहे हैं। आप सट और वंचक हैं। हे निपाधम, मैं ब्राह्मण होकर एक क्षत्रिय के लिए दान दूंगा, कैसे विपरीत बात है? परमात्मा कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा के लिए यज्ञ में ये कामधेनु दी थी। ये प्राण से भी अधिक प्रिय है, ये देने के योग्य नहीं है। ब्रह्मा ने इसे भृगु को दे दी थी जो कि उनका प्रिय पुत्र थे। हे राजन, भृगु ने ये मुझे दे दी है। ये कपिला मेरी पैतृक की संपत्ति है। ये कामधेनु गोलोक में सुसंपन्न हुई है और तीनों लोकों में दुर्लभ है। मैं लीला मात्र से ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हे मूढ़, मैं हाली करता हल चलाने वाला नहीं हूँ। तूने ये बुद्ध
उत्थापित नहीं किया है। मैं एक क्षण में भस्म कर देने में समर्थ हूँ, केवल अतिथि को ही समझ कर छोड़ रहा हूँ। तुम अपने घर चले जाओ और शीघ्र चला जा, मेरे कोप को मत बढ़ाओ। देव से बाधित हे पामर, अपने पुत्रों स्त्री आदि का ध्यान कर, क्यों विनष्ट होना चाहता है। मुनि के उस वचन को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ था। फिर वो विधि से बाधित होकर मुनि को प्रणाम कर सेना के मध्य में चला गया था। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।